आप कितना स्लो कर रहे हो, जल्दी से कीजिए ना, कितनी सारी डिलीवरी करनी है। हाँ हाँ माधवी, जल्दी तो कर रहा हूँ मैं, तुम देख रही हो ना मेरे दो ही तो हाथ है, दस दस हाथ है नहीं, एक साथ दस दस बोतलें भरू। मुझे पता है आपके दो ही हाथ है, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप जल्दी से कीजिए, इतनी सारी डिलीवरी करनी है, इतना सारा ऑर्डर मिला है हमें। हाँ पता है माधवी, इसलिए तो सुबह से बैठा हूँ ना यहाँ पे, सिर्फ एक ही चाय पिए सुबह से। क्या इतने सांस लेने की फुर्सत नहीं है और आपको चाय की सूझ रही है? अभी चाय की तलब लगेगी तो चाय ही सूझेगी ना माधवी। आज ना पूरे दिन के लिए आप चाय की तलब को भूल ही जाइए, एक भी कप चाय मिलने वाली नहीं आपको शाम तक। ठीक है होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर का वाह, इतने सालों से घर में आप ही का तो आदेश चल रहा है होम मिनिस्टर। अच्छा वाह, तो आदेश ये है कि आप बड़बड़ बंद करो और अचार भरो जल्दी से। कर ला। गुड मॉर्निंग माधवी पापी, गुड मॉर्निंग भिड़े। गुड मॉर्निंग। अरे प्लीज आप चालू रखे प्लीज, बैठे वांदा नहीं। क्या हुआ जड़ालाल? किसको? तुमको? मुझको? मुझे क्या हुआ है? वो तो तुम्हें पता। मुझे कैसे पता होगा भाई, तुम्हें ही पता होगा ना। मुझे कैसे पता होगा जेठालाल? आहो क्या हुआ? किसको? आपको। मुझे क्या हुआ? वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या हुआ आपको? जेठा भाई से इतने सवाल क्यों कर रहे हैं आप? बराबर माधवी पापी, क्या हुआ भिड़े? किसको? अरे तुमको। मुझे क्या हुआ? अरे भाई सुबह सुबह मुझे इतने सवाल क्यों पूछ रहा है? वो सुबह सुबह तुम कभी मेरे घर पे ऐसे आते नहीं ना, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मुझे एक छोटा सा काम है। हाँ तो जाओ करके आओ, मेरी परमिशन है, छोटा हो या बड़ा जो भी है करके आओ। काय विनोद कुठे? अहो पास आता, इतना सारा काम है, इतनी सारी डिलीवरी करनी है, इतना सारा ऑर्डर है, आज रात तक हम लोग फ्री नहीं होने वाले, पर आपको विरोध सूझ रहा है। ओ बाबा हो तो आओ फोन उचलान जरा। हेलो, हाँ बोलो चंद्रिका ताई। हाँ हाँ देता हूँ। चंद्रिका ताई क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ कानाल लावा। अच्छा ओ माझा। ओ सॉरी। हाँ हाँ चंद्रिका ताई बोला। हाँ हाँ मैं भिजवा देती हूँ। हो ये क्या आपका ही पैकिंग कर रही हूँ? हाँ हाँ डोंट वरी। हाँ अच्छा थैंक यू। ओ जल्दी से अचार भरी है, चंद्रिका ताई की फ्लाइट है शाम की, अमेरिका जा रहे हैं वो, उसके पहले उनके यहाँ डिलीवरी करनी है, जल्दी कीजिए ना आप। अरे माधवी भाभी तो बहुत बिजी है, ऐसे में उनको खाना बनाने का कैसे कह सकता हूँ, और अगर कहूँगा तो वो मना भी नहीं करेंगे। नहीं नहीं छोड़ो, कहता ही नहीं हूँ। अरे जेठालाल बोलो ना क्या काम था? नहीं कुछ खास काम नहीं था। ए, लेकिन काम तो था ना? हाँ काम तो था। तो बोलो। अरे बाप रे फंस गया, कुछ तो बोलना पड़ेगा। ठीक है बोलता हूँ, लेकिन मेरा काम सुन के तुम्हें गुस्सा तो नहीं आएगा ना? जेठालाल तुम ऐसा क्या काम बोलने वाले जो मुझे सुन के गुस्सा आएगा? नहीं नहीं ऐसा कल्पम शरी नहीं है कि तुमको गुस्सा आएगा ही आएगा, ये तो मैं अनुमान बांध रहा हूँ कि हो सकता है मेरा काम सुन के शायद तुमको गुस्सा आ जाए। अरे नहीं 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 क्या है, आज हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे मूड में हूँ। बोलो बोलो। तो मुझे है ना ये एक 10 रुपए का छुट्टा चाहिए। जेठालाल तुम अपने घर की सीढ़ियां उतर के मेरे घर की सीढ़ियां चढ़ के 10 रुपए के छुट्टे के लिए आए हो? हाँ वो 10 का छुट्टा आजकल मिलता नहीं है ना, पर मुझे क्या 2 5-5 के सिक्के नहीं चाहिए, एक एक के 10 सिक्के चाहिए। क्यों? शादी का सीजन है ना आजकल, वो क्या कवर में तुम 500, 1000, 2000 कितना भी रखो उसका महत्व नहीं है, क्या 1 रुपया ऊपर रखो ना तो वजन पड़ता है, उनको लगता है कि नहीं कवर में कुछ दिया है, 1 रुपया शगुन का माना जाता है ना। अच्छा अच्छा एक मिनट ना।
ये लो ये। ओ अभी तो मेरे पास एक एक के सिर्फ 3 ही सिक्के हैं। आहो हा? मेरे पर्स में बहुत सारे सिक्के हैं, उनको दे दीजिए। अच्छा तुम्हारा पास तो अंदर होगा ना। हाँ मैं लेके आता हूँ। हाँ मिला 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 ये लो। अरे वाह ये लो 10। हाँ ये 10 रुपया पकड़ो। हाँ ठीक है। थैंक यू मोदी भाभी। वेलकम। ओके 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 थैंक यू। माधवी भाभी तो बिजी है, अब क्या करूं? एक काम करता हूं, रोशन भाभी को रिक्वेस्ट करता हूं, वो एक से एक मस्त पंजाबी आइटम बना देंगे। गुलाब जामुन, मलाई कोफ्ता, हाँ ये अच्छा है। 10 रुपए का छुट्टा लेने के लिए जेठा यहाँ पे आता थे, महत्व से नहीं है, लोकर भरा। हाँ हाँ। अरे गुड मॉर्निंग जेठा अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? मस्त मस्त। पापा नजर नहीं आ रहे? पापा सुबह जल्दी जल्दी कोई गड्डी की अर्जेंट डिलीवरी देने गए। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो बेटा जरा मम्मी को बुलाना। मम्मी भी नहीं है, मम्मी तो अभी अभी कोमल आंटी को मिलने गई है। ओ अच्छा ठीक है चल। अरे जेठा अंकल बैठिए तो सही। बेटा अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में। हाँ चल। अरे जेठा अंकल लस्सी तो पी के जाइए। अरे थैंक यू बेटा थैंक यू, लेकिन मैं अभी घर से चाय नाश्ता करके आया हूँ, फिर कभी। थैंक यू। ओके 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 बाय बाय जेठा। ओके बेटा। गुड मॉर्निंग रोशन भाभी। अरे गुड मॉर्निंग जेठा भाई, सेम जी कैम छो? बस मजा में मजा में। मैं अभी आपके घर पे गया था, गोगी ने बताया आप कोमल भाभी को मिलने आए हैं। I'm ready रोशन भाभी, let's go। हाय। गुड मॉर्निंग कोमल भाभी। गुड मॉर्निंग। आप दोनों कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ वो मॉल में घनी मोटी सेल लगी है, तो हम दोनों उधर शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। ओहो शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो शाम हो जाएगी। नहीं कि नहीं जल्दी आ जाएंगे? नहीं शाम हो ही जाएगी। And we have a little dinner program. क्या है कि हंस गोगी गोली सोड़ी भाई हमें join करने वाले हैं, तो हम लोग dinner करके ही वापस आ जाएंगे। ओहो मतलब रात तक का program fix है? हाँ हमारा आखिर दिन का program set है। आप भी चलिए ना हमारे साथ dinner पे। हाँ नहीं मैं जरूर आता, लेकिन शाम को मेरे घर पे भी कुछ मेहमान आने वाले हैं। जेठा भाई आप मेरे घर पे गए थे, कुछ काम था? नहीं वो मैं भिड़े के घर पे गया था ना, तो मैंने सोचा लग गया सोडी को भी मिल लूं, इसलिए आपके घर गया था, लेकिन कोई नहीं था, सोडी भी नहीं था, आप भी नहीं थे, कोई खास काम नहीं था ऐसे ही। ओके चलिए जेठा भाई हम लोग चलते हैं, नहीं तो मॉल में बड़े डिस्काउंटेड आइटम खत्म हो जाएगी। हाँ नहीं 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 जाओ जाओ जल्दी जल्दी। ओके बाय। ओके ओके। अरे आज क्या हो रहा है, सब बिजी है, अब क्या होगा? अनजान मेहमान के लिए खाना कौन बनाएगा? डूबते का एक ही सहारा, बबीता जी। बंदर ने कुत्ती को थप्पड़ मारा, कैसे कैसे न्यूज छापते ये लोग, व्हाट अटर नॉनसेंस। बबीता तुम हंसता है तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। चलो इस बात पे मैं तुम्हें एक जोक सुना देती हूँ जो मुझे फॉरवर्ड किया गया है। Please. एक दिन वाइफ ने अपने हस्बैंड से कहा कि कल रात नींद में मैंने सपने में देखा कि तुम मेरे लिए हीरो का हार लाए हो। तो पति ने कहा कि एक काम करो, तुम फिर से सो जाओ और सपने में हार पहन लो। बबीता मेरा फोन चार्जिंग पर रखा, लेकर आएगा प्लीज, मैं देखता हूँ डोर पे कौन आया। यार भाई आपकी तबीयत तो ठीक है, डॉक्टर को बुलाऊं? डॉक्टर डॉक्टर क्यों, अकेले अकेले हंस रहे हैं आप, सब ठीक तो है ना? अरे जेठालाल आई एम फिट एंड फाइन, तुम पहले ये बताओ यहाँ आना कैसे हुआ? रसगुल्ला खत्म हो गया, एक और डब्बा चाहिए? नहीं नहीं वो डिब्बा तो अभी तक खुला भी नहीं है यार भाई। तो फिर मुझे दरअसल जरा बबीता जी से काम है। बबीता बबीता का क्या काम है? अरे जेठा जी आओ। बबीता जी। बबीता जेठालाल बोल रहा है कि उसको तुम्हारा कुछ काम है। अच्छा हाँ बोलिए ना जेठा जी। बबीता जी आपको याद है आप दोनों अभी हमारे घर पे आए थे, तो वो किसी का फोन आया था। हाँ वो भालू काका। नहीं भालू नहीं वो तो काड़ू काका थे, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो? अच्छा वो चमन काका।
अरे चमन नहीं और रमन काका थे, लेकिन मैं उनके भी बात नहीं कर रहा हूँ। ओके अच्छा अच्छा वो तीसरा वो जिसको तुम पहचान नहीं पाया था वो? हाँ हाँ वो तो फाइनली तुम पहचाना कि नहीं कि कितने फोन किया था? नहीं उन्होंने बताया ही नहीं। नहीं बताया? नहीं और वो एक नहीं दो थे हस्बैंड वाइफ। ज्यादा दोनों को तुमने नहीं पहचाना? नहीं। तो वो दोनों ने एंड तक नहीं बताया कि वो दोनों कौन है? नहीं बताया ही नहीं। नल्ला कुरुम्बतनम पन्नरिकंगा उंगकड़े मतलब अच्छा मजा किया तुम्हारे साथ में। अय्यर एक मिनट, जिठा जी आप कह रहे थे कि आपको मुझसे कुछ काम है, क्या काम है आपको? हाँ बबीता जी वो क्या कि मैंने उनको बहुत पूछा कि प्लीज आप लोग बताइए आप कौन बोल रहे हैं, मैं नहीं आपको पहचान पा रहा हूँ। तो कहने लगे कि नहीं हम ऐसे नहीं बताएंगे, हम रात को आपके घर पे खाना खाने आएंगे तभी आप हमको पहचान लेना। ये तो वही बात हो गया, जान नहीं पहचान मैं तेरा मेहमान। नहीं नहीं बिल्कुल पहचान नहीं, ऐसा भी नहीं, वो बापू जी दया टप्पू सबको जानते है। अच्छा हाँ जिठा जी I'm sorry पर मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि इन सब में आपको मुझसे क्या काम है। राइट बबीता, हाँ जनरल तुमने यह नहीं बताया कि तुमको बबीता से काम क्या है। हाँ नहीं नहीं सॉरी मैं बता रहा हूँ, वो क्या है कि अभी वो लोग शाम को घर पे खाना खाने आ रहे हैं तो घर पे अभी दया भी नहीं है। वैसे मैं पद्मावती भोजनालय से खाना मंगा सकता था लेकिन वो आज बंद है और बापू जी ने होटल का खाना मंगाने का मना कर दिया कि वो लोग घर पे खाना खाने आ रहे हैं और हम उनको होटल का खाना खिलाए के अच्छा लगेगा। जेठालाल तुम सब कुछ बोल रहा है लेकिन यह नहीं बोल रहा है कि तुमको बबीता का क्या काम है। हाँ नहीं नहीं वही वही बता रहा हूँ बबीता जी, क्या है कि मैं माधवी भाभी के घर पे भी गया था लेकिन उनको क्या है अचार का बहुत बड़ा वो ऑर्डर मिला है तो वो रात तक बहुत बिजी है। ओके और फिर रोशन भाभी और कोमल भाभी कुछ शॉपिंग पे गए और वहीं से वो बारो बार कुछ खाना खाने जाने वाले हैं तो उनको भी आने में देर हो जाएगी। और जली भाभी को बोलना तो आप जानते हैं थोड़ा रिक्शी हो जाएगा, इसलिए एक आप ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं। अयो इधर आल बेच ना इन पन्ने है? मैं तुम्हारा क्या करूं? मैं तुम्हारा क्या करूं, मैं कुछ समझा नहीं। जड़ालाल तुमने अभी बताया कि बबीता ही तुम्हारा मदद कर सकता है लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि बबीता क्या मदद कर सकता है, कैसे मदद कर सकता है। रसोई बनाने में। रसोई? मतलब वो मेहमान आ रहे हैं ना घर पे खाना खाने तो उनके लिए बबीता जी आप खाना बना सकते हैं। अरे जेठालाल इतना जोरदार बात और तुम इतना घुमा फिरा के बोल रहे। अरे ऐसा सिचुएशन है, तुमको बबीता का हेल्प चाहिए तो बबीता क्यों नहीं करेगा? ऑफ कोर्स जेठा जी मैं आपकी मदद करूंगी, और एक नेबर नेबर की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? थैंक यू मुझे यकीन था बबीता जी आप तो मेरी मदद करेंगे। थैंक यू, यू मोस्ट वेलकम। अच्छा आपको सब्जी वगैरह क्या चाहिए मुझे बोलिए, मैं अभी कभी जाके मार्केट से लेके आता हूँ। नो नो जेठा जी इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आई मैनेज एवरीथिंग। हाँ जेठालाल तुम बिना टेंशन के दुकान जा सकते हो। थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। तो मैं अभी निकलूं? प्लीज थैंक यू, ये तो फॉर्मेलिटी नेबर्स में नहीं होता है, नहीं बबीता? हाँ बिल्कुल, थैंक यू बबीता जी। अच्छा बबीता जी मैं जेठालाल बबीता ने बोला ना वो तो मैनेज कर लेंगे। चलो हाँ दो फोन दो। अरे लेट हो रहा है अभी, चलो चलो चलो। अरे वो नहीं चाहिए, चलो चलो चलो। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। ओहो गुड मॉर्निंग भिड़े बाबू, क्या हाल? बस बस बढ़िया बढ़िया, सुबह शानदार है आज। एकदम फर्स्ट क्लास। ओहो भिड़े लगता है माधवी भाभी को कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है भाई, है इसीलिए तुम्हारा स्कूटर माफ करना भाई, तुम्हारा हम सफर, तुम्हारा हमदम, तुम्हारा यार, तुम्हारा दोस्त सकाराम पूरा भरा हुआ है अचार पापड़ से। वो एक्चुअली माधवी को बड़ा ऑर्डर मिला है। क्या है ये अचार अभी अमेरिका एक्सपोर्ट हो रहा है। क्या बात कर रहे हो भिड़े, मुझे पता नहीं था माधवी भाभी का अचार अमेरिका तक एक्सपोर्ट होता है। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, क्या है हमारे क्लाइंट है उनके रिश्तेदार अमेरिका रहते हैं
तो उनके लिए ये अचार भेजा जा रहा है, इसलिए बोला कि एक्सपोर्ट हो रहा है। पर अच्छी बात है, अच्छी बात है। थैंक यू। अरे 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 यार भाई, एक मिनट, अपने हाथ तो छोड़ो यार, अभी तो बाहर आ गए यार। थैंक यू यार भाई, आपने बबीता जी को बोला मेरी मदद करने के लिए, थैंक यू। जयलाल, बबीता का कोई भी हेल्प चाहिए ना तो सबसे पहले मेरे को बोलने का। अय्यर भाई, जयलाल, गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग जयलाल। गुड मॉर्निंग भिड़े। गुड मॉर्निंग, हम तो मिले ना लेकिन। हाँ, हम लोग मिले। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग आदर। गुड मॉर्निंग। क्या भाई जयलाल, तुम दोनों एक साथ अय्यर के घर गए थे क्या? वहाँ भी चिल्लर मांगने गए थे। चिल्लर? हाँ, तुम्हारे घर पे आने से पहले जयलाल मेरे घर पे आया था। उसको 10 रुपए का छुट्टा चाहिए था, वो भी 1-1 रुपए के कॉइन। अच्छा। अरे नहीं नहीं, मेरे घर पर छुट्टा लेने के लिए नहीं आया था वो, जयलाल के घर पे आज रात को एक कपल डिनर करने के लिए आ रहा है। ओहो, तो जयलाल तुम अय्यर और बबीता जी को इनवाइट करने गए थे डिनर के लिए, हम याद नहीं आए हैं। अरे नहीं नहीं, मैं दादा हमको इनविटेशन देने के लिए नहीं आया था। तो वो क्या हुआ मेहता साहब, हमारे घर पे आज सुबह एक अनजान कपल का फोन आया। अनजान कपल मतलब? अनजान मतलब वैसे तो पहचान वाले है, लेकिन अभी उन्होंने फोन किया तो मैं उनकी आवाज पहचान नहीं पाया, जबकि वो मुझे बापूजी दया टप्पू सबको पहचानते है। अच्छा। तो मैंने उनको बहुत पूछा कौन बोल रहे है, सॉरी मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो बोले नहीं अभी हम नहीं बताएंगे, आप एक काम करो, हम आपके घर पे खाना खाने आएंगे रात को, तभी आप हमको पहचान लेना। लेकिन पूरी बात में अय्यर के घर पे जाने की क्या जरूरत पड़ गई? अभी वो दया घर पे नहीं है और आज पद्मावती भोजनालय भी बंद है, तो मैंने सोचा अगर बबीता जी रात का खाना बनाने में अगर मदद कर दे तो अंजलि को बोल देते जेठालाल। सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, अंजलि भाभी अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन क्या कि वो जो खाना बनाते हैं ना वो थोड़ा पौष्टिक खाना होता है, जो सेहत के लिए तो अच्छा है लेकिन जीभ के लिए थोड़ा है। और क्या मेहमान आज पहली बार घर पे आ रहे हैं तो उनको सीधा पौष्टिक खाना खिलाएंगे तो थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे इतना स्पष्टीकरण क्यों दे रहे हो भाई जेठालाल, मैं समझ गया। अरे आप तो बुरा मान गए मेहता साहब। मैं क्यों बुरा मानूंगा जेठालाल, मुझसे ज्यादा अंजलि के खाने के बारे में कौन जानता है। तो फिर आपने ऐसा क्यों पूछा, अरे अंजलि को बोल देते। सॉरी सॉरी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तुम मेरे घर पे एक्चुअली छुट्टा मांगने नहीं आए थे, तो ये पूछने आए थे कि माधवी खाना बना सकती है या नहीं। हा? हाँ, लेकिन फिर मैंने देखा माधवी भाभी बहुत बिजी है तो फिर मैंने उनको तकलीफ देना ठीक नहीं समझा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये लो तुम्हारा 10 का नोट। अरे ठीक है, रखना भाई। रखो ना, क्या रखो, ये 10 का नोट लो और वो चिल्लर वापस दे दो मुझे। चिल्लर वापस चाहिए? हाँ तो फिर। अरे एक तो आजकल चिल्लर मिलती नहीं है, मुश्किल से जमा होता है, तो कभी भी काम आता है ना। दे दो दे दो। ठीक है, ले ले गिन ले भाई। अरे यार उतने ही होंगे ना। जेठल एक बात समझ में नहीं आई, उस कपल ने जब तुम्हें फोन किया तो उनकी आवाज से नहीं पहचाने तुम कौन है वो लोग? अरे नहीं पहचाना, मैं तो जय डलाल बोलता था कि उसके पास में ऐसा टैलेंट है कि फोन पर आवाज सुन के वो ये बता देगा कि फोन करने वाले का नाम क्या है, लेकिन इनको नहीं पहचाना। अय्यर भाई, आप घर पे तो बोल रहे थे कि आपको बहुत लेट हो रहा है ऑफिस जाने में। हाँ, अरे हाँ, जयलाल तुम्हारा चक्कर में मैं और लेट हो रहा हूँ। अच्छा चलो, बाय बाय, मैं चलता हूँ। बाय बाय, चलो मैं भी चलता हूँ, मुझे वो अचार पापड़ की डिलीवरी करने जाना है। ओके ओके, चलो मिलते हैं। चल जरा लंबी चले। मैं तो साहब 2 मिनट रुके ना, मैं बापूजी को बोल के आता हूँ कि वो मेहमान जो रात को आने वाले उनका खाने का बंदोबस्त हो गया है। अब तो फोन पे बोल दो ना। अच्छा नहीं लगेगा, यही होता है, 2 मिनट जाके बोल के आता हूँ ना। तो ठीक है, तुम जाओ, मैं जाता हूँ ऑफिस। अरे 2 मिनट रुकिए ना भाई, मैं आपको छोड़ता हूँ ना ऑफिस। 2 मिनट रुके, अभी गया, अभी आया। रुको रुको, मैं आया। अरे पर एक ऐसा विद्यार्थी जो अपने परीक्षा परिणाम का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा है और परिणाम आया उसके लिए 90% अंक लेके आया, तो विद्यार्थी को कितनी खुशी मिलेगी। शायद वैसी ही खुशी है, उसे कहीं ज्यादा खुशी इस वक्त जेठालाल महसूस कर रहा है, क्योंकि बबीता जी ने मदद का वादा कर दिया। लेकिन कौन है ये अनजान मेहमान, कहां से आ रहा है, सवाल अभी तक अनुत्तरित है। और सबसे बड़ी चीज की इस कहानी में आगे क्या मोड़ आने वाला है, क्योंकि आप तो जानते हैं गोकुल धाम में यहाँ कोई चीज सीधी तरीके से तो होती ही नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होता ही है, कभी कमाल होता है कभी धमाल होता है, लेकिन यहाँ चाहे जितना धमाल हो उस धमाल का परिणाम ये होता है कि आप घरों में ठहाके गूंजते हैं। तो इस बार भी ठहाके गूंजेंगे जब यहाँ पे धमाल होगा, लेकिन क्या होगा किस तरह से होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.